एक बार फिर मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए क्रमिक अनशन शुरू हो गया है और छत्रसाल चौराहे पर मेडिकल संघर्ष मोर्चा सहित समाज के लोग धरने पर बैठ गए हैं और जो बैनर लगा हुआ है उसमें उनकी तीन मांगें लिखी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं संजय अवस्थी और आप देख रहे हैं पेपर टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मेडिकल संघर्ष मोर्चा के द्वारा मेडिकल कॉलेज की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू हो गया है। हमारे साथ मेडिकल संघर्ष मोर्चा से हरि अग्रवाल मौजूद हैं, जो इसके पहले भी लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष करते आ रहे हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि लगातार कितने वर्षों से वह संघर्ष कर रहे हैं। चाचा, कितने वर्षों से आप संघर्ष कर रहे हैं और अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं निर्माण? 2015 में छतरपुर ज़िले में आंदोलन जन सहयोग और पत्रकारों के सहयोग से चलाया जा रहा है। 2004 में हमारे पूर्व विधायक निगम साहब ने उमा भारती के कार्यकाल में यह मांग उठाई थी, जिसमें उनका जवाब आया था कि आपकी मेडिकल कॉलेज सहित संभाग की मांग पर एवं यूनिवर्सिटी की मांग पर तीन मांगें उन्होंने रखी थी, गंभीरतापूर्वक विचार किया जाएगा, जिसे अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। किंतु उमा भारती बदल गई, धीरे धीरे साधन बदल गया और यह मांग अधूरी रह गई। 2015 में मेडिकल कॉलेज बुंदेलखंड को मिला, किंतु हमारे पालक मंत्री जो यहाँ के नरोत्तम मिश्रा थे, वह अपने दतिया क्षेत्र में ले गए। तब छतरपुर की जनता ने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज खुलवाने हेतु जन आंदोलन प्रारंभ किया और लगातार यह आंदोलन 3 साल तक जन सहयोग से चला। 15, 16, 17, 18 बल्कि 4 साल कहना चाहिए, 4 साल चला। तब जाकर के 30 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव के ठीक पहले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी और जिला चिकित्सालय में भूमि पूजन किया, किंतु कोरोना काल के कारण कुछ काम नहीं हो पाया। 2 बार स्टे लग गया, उसके कारण काम नहीं हो पाया। स्टे को ख़त्म कराने में शासन प्रशासन ने जब कोई रुचि नहीं ली तो मेडिकल कॉलेज संघर्ष मोर्चा स्वयं आगे आया और स्टे ख़त्म कराया। स्टे ख़त्म होने के बाद भी अब ठेकेदार काम करने के लिए है क्या कर मना कर रहा है कि जब तक हमारे रेट नहीं बढ़ाओगे तब तक हम काम नहीं करेंगे। आज 8 साल हम लोगों की मांग हो चुके हैं, 1 सत्र पूरा शिक्षा का हो सकता था। अतः हम मांग करते हैं कि मेडिकल कॉलेज का अतिशीघ्र निर्माण चालू हो और न केवल निर्माण चालू हो अभी तो 2023-24 में मेडिकल कॉलेज की शिक्षाएँ अविलंब प्रारंभ की जाएँ। यहाँ जिला चिकित्सालय की 5वीं मंजिल खाली पड़ी है और सिंचाई कॉलोनी में काफ़ी जगह खाली पड़ी है जहाँ मेडिकल कॉलेज की कक्षाएँ चालू हो सकती हैं। जब बिल्डिंग बने तब बने, किंतु इसी सत्र से मेडिकल कक्षाएँ चालू नहीं होती हैं। तो यह हमारा क्रमिक अनशन लगातार 11 बजे से 5 बजे तक तो चालू रहेगा ही, और यदि ज़रूरत पड़ी तो इसे हम आर्मड अनशन में बाजार बंद और अनेक प्रकार से हम आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि सभी लोग, सभी नेता, सभी शासन और प्रशासन आए और हमारी वाजिब मांग को पूरा करे, अन्यथा हम ईंट से ईंट बजाने के लिए स्वतंत्र होंगे। मेडिकल कॉलेज का निर्माण न होने की वजह से विशेष रूप से आक्रोश है और हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। जी भाई साहब, क्या कहेंगे? आज से क्रमिक अनशन शुरू हो गया है। निश्चित ही जो हम लोगों की मांग है कि छतरपुर ज़िले में मेडिकल कॉलेज का निर्माण अतिशीघ्र किया जाए, क्योंकि जिला अस्पताल में इतना लोड है, इतने ज़्यादा मरीज आते हैं कि एक मेडिकल कॉलेज से ज़्यादा पेशेंट यहाँ भर्ती रहते हैं और उन्हें देखना भी पड़ता है। लेकिन उसके बावजूद भी जाने क्या कारण है, समझ में नहीं आता कि आज से 10 वर्ष पूर्व भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो जाना चाहिए, लेकिन जाने क्यों नहीं मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो पा रहा है, जबकि यही ठेकेदार अन्य शहर में इसी रेट पर, इसी दर पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कर रहा है, लेकिन छतरपुर के मेडिकल कॉलेज के लिए ये निर्माण मना कर रहा है। हमें तो ऐसा लगता है इसमें कुछ संयंत्र की बू आ रही है, लेकिन निश्चित ही हम लोगों ने और छतरपुर की जनता ने ठाना है कि इस बार हम लोग मेडिकल निर्माण जरूर कराएंगे और तीन मांगे रखी गई हैं कि अति शीघ्र मेडिकल का निर्माण काम शुरू किया जाए और 2023 और 2024 की कक्षाएं यहां पर प्रारंभ की जाए और डीन की नियुक्ति की जाए। तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि जिसका काम जो है वो नहीं कर पा रहा है, तो छतरपुर ज़िले की संपूर्ण जनता इस कार्य को संपूर्ण कराने के लिए दृढ़ संकल्प है और सबका सहयोग मिल रहा है। हर समाज का
चाहे कोई भी समाज हो, किसी भी वर्ग का हो, वह सब लोग यहाँ आकर, इस मंच पर आकर बार बार कह रहे हैं कि हमारा पूर्ण सहयोग रहेगा, कल से हम बैठेंगे, परसों से फलाना बैठेगा, ढिकाना बैठेगा, क्योंकि बच्चे बुजुर्ग महिलाएँ सबके मन में ये इस बार दृढ़ संकल्प ले लिया है कि निश्चित ही मेडिकल का निर्माण हम लोग शुरू करा कर ही दम लेंगे। यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर क्या कहेंगे? आप लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, उनका कितना सपोर्ट सहयोग आप लोगों को मिल रहा है? मैं छतरपुर के लोकल नेता एवं प्रदेश स्तर के नेता से विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेडिकल कॉलेज जो 10 साल पहले खुल जाना चाहिए था वो नहीं खुला। क्यों नहीं खुला, इसका उन्हें कारण बताना चाहिए। क्या यहाँ की जनता को इतना वो कमज़ोर समझते हैं, सिर्फ वोट लेना ही जानते हैं? क्या यहाँ मेडिकल कॉलेज की ज़रूरत नहीं है ये बताएं? जो पहले पूर्व में स्वीकृत हुआ मेडिकल कॉलेज अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोरी के कारण दतिया चला गया, दोबारा स्वीकृत हुआ तो उसमें राजनीतिक षड्यंत्र के कारण स्टे ले लिया गया। वो जैसे ही स्टे वैकेंट हुआ तो फिर से कोई षड्यंत्र चल रहा है कि वही ठेकेदार उसी रेट पर अन्य जगह काम कर रहा है, यहाँ के लिए क्यों मना कर रहा है? तो प्रशासन को चाहिए कि उस ठेकेदार को एक म्यादी नोटिस दे कि 15 दिन में अगर आप मेडिकल कॉलेज का काम शुरू नहीं कराते हैं तो आपका ठेका निरस्त करके पुनः टेंडर करा दिए जाएंगे एवं आपकी जो कौशन मनी राशि है उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो वो ठेकेदार अपने आप मजबूर हो जाएगा, अगर वो नहीं करता है तो उसको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए कि क्यों आपने पहले ठेका लिया और क्यों काम नहीं किया। स्टे थोड़ी सी जगह पर था तो उसने बाकी जगह काम किसने मना किया था उस ठेकेदार को? उसने प्रक्रिया तो कई वर्षों से चल रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं निर्माण हो रहा है तो इसको क्या मानते हैं? तो वर्षों से ऐसी प्रक्रिया चल रही है, आप लोग संघर्ष भी कर रहे हैं, इसमें हमारे जो लोकल के नेता हैं उनकी कहीं कमजोरी है, वो कहीं ना कहीं किसी अपने प्रलोभन में आके इस मुद्दे को भूल जाते हैं, अपनी निजी स्वार्थ उनके आगे आ जाता है। इस कारण से वो जो उन्हें जनता जिस कार्य के लिए चुनती है वो अपना दायित्व नहीं निभा पा रहे हैं। तो मैं अपने नेताओं से विनम्र प्रार्थना पुनः करना चाहता हूँ कि अभी विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव है, आप चुनाव के समय में आते हैं, इस समय आइए और अपने कर्तव्य दायित्व को पूर्ण कीजिए। तो मेडिकल कॉलेज की निर्माण की मांग को लेकर यह क्रमिक अनशन छत्रसाल चौराहे पर शुरू हो गया है, जिसमें प्रतिदिन किसी समाज के सहयोग से लोग यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और अनशन पर बैठेंगे और अधिकांशतर जो सभी समाज के लोग हैं वह सभी लोग इस अनशन में शामिल हो रहे हैं और लगातार मेडिकल कॉलेज के लिए संघर्ष किया जा रहा है, मेडिकल कॉलेज निर्माण की मांग की जा रही है। और साथ ही जो बैनर में जो तीन मांगें लिखी हुई हैं उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अति शीघ्र मेडिकल कॉलेज का निर्माण करो, नवीन सत्र 2023-24 से कक्षाएँ करो और एवं रतलाम की तरह जिला अस्पताल में अस्थायी कॉलेज प्रारंभ करो। टाइम के लिए संजय अवस्थी छतरपुर।